नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। मोकामा विधायक अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए पटना पुलिस आज बाढ़ कोर्ट पहुंचेगी। बाढ़ कोर्ट में पटना पुलिस रिमांड के लिए अर्जी डालेगी। आपको बता दें कि बाढ़ कोर्ट ने अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में है। आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं तो दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को बिहार पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उनसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछताछ हुई। उसके बाद पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट से बिना मीडिया के सामने आए हुए अनंत सिंह को लेकर के पटना पुलिस बाढ़ के लिए निकल गई। बाढ़ कोर्ट में उनकी पेशी हुई। पेशी के बाद उनको न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। अब आपको बता दें कि बेऊर जेल पहुंचने के बाद अनंत सिंह को खाना दिया गया, लेकिन अनंत सिंह ने खाना खाने से मना कर दिया। इस बीच पटना पुलिस आज बाढ़ जा रही है। बाढ़ कोर्ट में अर्जी डालेगी, अनंत सिंह के रिमांड के लिए अर्जी डालेगी। देखना ये होगा कि बाढ़ कोर्ट अनंत सिंह को कितने दिनों के रिमांड पर भेजती है या फिर रिमांड नहीं देती है पुलिस को। ये सभी कुछ बाढ़ कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। फिलहाल आपको बता दें कि मामला ये है कि अनंत सिंह के लदमा वाले आवास पर छापेमारी हुई थी, जहां से AK-47 राइफल के साथ साथ दो हैंड ग्रेनेड बरामद पुलिस ने किया था। उसके बाद उन पर शिकंजा कसता चला गया। पटना में भी छापेमारी हुई उनके आवास पर, लेकिन उससे पहले अनंत सिंह फरार हो चुके थे। अनंत सिंह कहां थे किसी को पता नहीं था। पटना पुलिस, बिहार पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। SIT का गठन किया गया था। कुल 11 टीम बनाई गई थी SIT के, जिसमें 200 पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। लगातार छापेमारी हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि दिल्ली और झारखंड में भी पुलिस दबिश बनाई हुई है। बिहार नेपाल बॉर्डर भी, वहाँ पर भी चौकन्ना पुलिस नज़र रख रही है। लेकिन इस बीच अनंत सिंह बिना किसी को बताए, बिना किसी के सामने आए साकेत कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली के साकेत कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जो कि है न्यायिक हिरासत पर, अनंत सिंह बेऊर जेल में है। रात भी उनकी बेऊर जेल में ही कटी है। देखने वाली बात हुई कि जो पटना पुलिस बाढ़ जाएगी, बाढ़ कोर्ट में जा करके वो अर्जी डालेगी रिमांड के लिए, क्या बाढ़ कोर्ट अर्जी देती है, इस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।